हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम आपके लिए एक रिव्यू करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है दोस्तों, इसको फ्रेंड्स दबा दीजिए, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आपकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए लाए हैं मिंत्रा की तरफ से एक दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों को स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये दोस्तों हमने प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेस किया है दोस्तों मिंत्रा से, और दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सा पार्सल है। तो चलिए इसको खोलते हैं दोस्तों, और दोस्तों ये मुझे आज ही डिलीवर हुआ है, और दोस्तों ये पूरा सील है, पूरा बंद है दोस्तों। चलिए इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफी भारी है ये। और दोस्तों मिंत्रा से हमने ऑर्डर किया है ये दोस्तों, इसमें क्या है आपको भी बताते हैं। और दोस्तों ये हमने दो दोस्तों प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे मिंत्रा से, जो कि हमें ऑन टाइम डिलीवर हो गए और दोस्तों सेफ्टी के साथ डिलीवर हुए हैं। चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर दोस्तों हमारा प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, एक और शैम्पू भी हमने लिया है सेम क्वांटिटी में, वही ब्रांड का। चलिए इसको भी खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेकंड बॉटल भी बायोटिक की है, बायोग्रीन एप्पल शैम्पू। और दोस्तों इसकी कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों इसकी कॉस्ट दोस्तों है 430 रुपीज़ फॉर 650 ml दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं है। इसको मैंने मिंत्रा से परचेस किया था तो दोस्तों इस पर मुझे 35% का ऑफ़र मिल गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने इसकी दो बॉटल ही एक साथ परचेस कर डाली दोस्तों, क्योंकि इस पर ऑफ़र अच्छा खासा था दोस्तों, 35% का डिस्काउंट था दोस्तों। और दोस्तों ये शैम्पू एक डेली शैम्पू है, और दोस्तों ये दोनों बायोग्रीन एप्पल शैम्पू हैं, यानी कि दोस्तों ये जो बायोटिक ब्रांड है दोस्तों, ये दोस्तों इसलिए फेमस है क्योंकि दोस्तों बायोटिक के जितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो दोस्तों नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स में सल्फेट्स, पैराबेंस और केमिकल्स का भी यूज़ नहीं किया जाता है, जो कि दोस्तों इस ब्रांड की काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दोस्तों ये हमारा है बायोग्रीन एप्पल फ्रेश डेली प्योरीफाइंग शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर ऑयली हेयर एंड स्कैल्प। जी हाँ फ्रेंड्स, ये शैम्पू है हमारा 100% आयुर्वेदिक रेसिपी के साथ में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट से मिलकर के बना हुआ है, और ये दोस्तों जो शैम्पू है ये दोस्तों पंप टाइप की पैकेजिंग में आता है दोस्तों, पंप जैसा है। और मैं दोस्तों आपको इस शैम्पू की हाईलाइट बता देता हूँ कि क्या है दोस्तों। ये दोस्तों शैम्पू हमारा है ब्लेंडेड प्योर ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट के साथ में, और इसमें सी एल्गी एंड सेंटेला भी है, जो दोस्तों हमारी स्कैल्प को प्योरीफाई और नरिश करता है, और हमारे हेयर्स को नेचुरल मिनरल्स और प्रोटीन्स प्रोवाइड कराता है हेयर्स को, जिससे दोस्तों हमारे हेयर्स में शाइन और स्मूथनेस आ जाए। और दोस्तों इसका स्पेशल पीएच फार्मूला भी है, जो कि स्किन और स्कैल्प पे जेंटल है। और दोस्तों ये हमारे बालों से जो गंदगी होती है वो हटाता है, और हमारी स्कैल्प को ऑयल फ्री बनाता है।
है। चलिए दोस्तों अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर ली जाए, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें यूज़ किया गया है एप्पल जूस, चेन्नई घास प्लांट, मंडू पारनी प्लांट, सिकाकाई पल, घृत कुमारी जूस, बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, प्योरीफाइड वाटर। इतने दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। और दोस्तों ये ऑर्गेनिक है, प्योर है और दोस्तों प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा है और दोस्तों एक रीजनेबल प्राइस के साथ में भी अवेलेबल है। ये दोस्तों इस ब्रांड की खास जो हाइलाइट्स हैं दोस्तों यही हैं। और ये 430 रुपीज़ का है और दोस्तों इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है 3 इयर्स की, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस समय जो है बायोटिक का शैम्पू रेगुलर ये और डेली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस शैम्पू ने जो है मेरे डैंड्रफ में हेल्प की है। और दोस्तों ये शैम्पू जो है वो अच्छा है और हमारे हेयर्स को काफ़ी अंदर तक क्लीन कर देता है, हमारी स्कैल्प को ऑयल फ्री बनाता है। और दोस्तों इसके यूज़ से हमारा हेयर फॉल तो नहीं कंट्रोल होता है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन हमारे बाल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और रही बात इसमें शैम्पू एंड कंडीशनर की, तो मैं इसको शैम्पू ही मानता हूँ, इसमें कंडीशनिंग कुछ नहीं होती है। खैर इसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ किया गया है, बादाम ऑयल का यूज़ किया गया है, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ हमारे बालों को जो है शैम्पू में जो ओवरडोज बेस की होती है दोस्तों उसको कम करने के लिए यूज़ किए गए हैं वो ऑयल्स, जिससे दोस्तों कंडीशनिंग नहीं हो पाती हमारे हेयर्स की, हमें कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों मैं कंडीशनर से दूर ही रहता हूँ दोस्तों, कंडीशनर से मैं ऑयल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं प्री कंडीशनिंग जो करता हूँ दोस्तों वो ऑयल से कर लेता हूँ, अपने हेयर्स की मसाज दोस्तों मैं ऑयल से कर लेता हूँ। 1 आवर पहले, 1 घंटा पहले दोस्तों मैं अपने हेयर्स की मसाज कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं शैम्पू करता हूँ। तो दोस्तों मुझे कोई कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और मेरे बालों में शाइन और क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और मेरे बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी लगते हैं, जैसा कि दोस्तों आप हमेशा देखते हैं दोस्तों मेरे हेयर्स। तो दोस्तों शैम्पू मुझे ये पसंद आया पर्सनली और मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर किया जाए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा शैम्पू है और दोस्तों ये पंप टाइप की पैकेजिंग में आता है और दोस्तों आप देख के तो समझ ही गए होंगे कि दोस्तों ये शैम्पू हम रेगुलर यूज़ करते हैं, इसीलिए दोस्तों हमने एक साथ 2 बॉटल ही परचेज कर डाली, क्योंकि अच्छा शैम्पू मुझे लगा और मैं अब इसको थोड़े दिन कंटिन्यू यूज़ करूँगा और इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा है। आप भी अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये हेयर फॉल के पर्पज़ से नहीं है, ये दोस्तों सिर्फ आपकी स्कैल्प से ऑयल हटाने के लिए है। अगर आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो दोस्तों डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी इसके यूज़ से चली जाएगी आपकी। और दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप जेंट्स या मेन हैं तो दोस्तों आप अपने बालों को डेली शैम्पू करिए, अगर आप लेडीज़ हैं तो दोस्तों आप 1 दिन बाद दोस्तों अपने बालों को क्लीन कर सकती हैं। तो दोस्तों अपने बालों को जो है क्लीन रखिए और हेल्थी रखिए दोस्तों, और दिन में ढेर सारा पानी पीजिए और अपने बालों की ऑयलिंग भी अच्छे से करिए दोस्तों, तो दोस्तों आपके बाल और अच्छे से शाइनी और घने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और ख़ास ज़रूरी बात दोस्तों, घंटी को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आप घंटी को नहीं दबाएंगे तो आने वाली हमारी नई वीडियो की जानकारी कैसे पाएंगे। इसलिए दोस्तों घंटी को तो आप ज़रूर ही दबा दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।